गुड मॉर्निंग बेटा, आपने मेरा टॉपिक चला था गैस लाज के बारे में ना, जिसमें आपने प्रेशर टेम्परेचर ला, बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, अवोगैड्रो ला, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सारा हो चुका था। नाउ नेक्स्ट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बट ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं 1807 में जॉन डाल्टन ने, एडगियर बाय जॉन डाल्टन, 1807 में। इस लॉ को स्टडी करने से पहले बट हमें ये देखेंगे पार्शियल प्रेशर क्या होता है। व्हाट यू मीन बाई पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब क्या है बेटा? अगर आपके पास टू या मोर देन टू गैसेस का मिक्सर, अपने पास क्या है टू या मोर देन टू गैसेस का मिक्सर, जैसे एयर ले लिया जाए, ए इज यू नो दैट मिक्सर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, ठीक है, एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सी ओ टू, वाटर वेपर्स, नंबर ऑफ गैस प्रेजेंट होते हैं। तो अपने पास बहुत सारे गैसेस का मिक्सर है, तो उसमें देखो जो गैसेज हैं, मान लीजिए एयर की बात करें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, सी ओ टू मॉलिक्यूल्स भी हैं। All these molecules collides with earth surface, and when these molecules collide with earth surface, there is a force exerted by the gas per unit area, is known as the atmospheric pressure. कि atmospheric gas है वो earth surface पे pressure लगा रही है। तो बेटा सब मिलके normal condition पे कितना pressure लगाती हैं? वन एटमोसफेयर, हम लेते हैं एटमोसफेरिक प्रेशर कि एयर की वजह से प्रेशर में कितना ले लिया, वन एटमोसफेयर। तो वन एटमोसफेयर ड्यू टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सीओ टू एंड अदर ऑल, जो भी उन सब क्या मिला के वन एटमोसफेयर है। नाउ व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन दिस प्रेशर, इस टोटल प्रेशर में ऑक्सीजन की वजह से कितना प्रेशर लगा। मान लीजिए यहाँ पर यूनिट एरिया जो मॉलिक्यूल क्लाइड कर रहे हैं, जो एयर क्लाइड कर रहे हैं, उस वजह से प्रेशर वन एटमोसफेयर लग रहा है। तो उस टोटल एयर में से ऑक्सीजन कितना क्लाइड कर रही है, ऑक्सीजन ने कितना प्रेशर लगा है, तो बताते भाई ऑक्सीजन एयर में लगभग 20% होती है। तो आउट ऑफ वन एटमोसफेयर प्रेशर 0.2 एटमोसफेयर इज एग्जर्टेड बाय द ऑक्सीजन। इस पूरे वन एटमोसफेयर प्रेशर में से 0.2 एटमोसफेयर प्रेशर किसने लगाया बेटा? ऑक्सीजन ने। तो ये 0.2 क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मींस टोटल प्रेशर में से एक पर्टिकुलर गैस अपना कितना पार्ट दे रही है वो क्या कहलाता है? उसका पार्शियल प्रेशर। ऐसे कहते हैं भाई नाइट्रोजन है वो एयर में 79% है, तो टोटल वन एटमोसफेयर प्रेशर कहीं कह रहे हैं 0.1 एटमोसफेयर प्रेशर का टोटल बता दिया 0.79, इतना पार्ट, इतना एटमोसफेयर प्रेशर किस वजह से? ड्यू टू कोलिजन ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन की बेटा मॉलिक्यूल एयर में जाता है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये ले लेंगे हमने 1 cm² एरिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 2 आएंगे, तो वहीं पे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल लगभग कितने आएंगे? एयर में ऑक्सीजन 20% है, तो नाइट्रोजन नियरली 80% है। तो अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कम क्लाइड कर रहे पर यूनिट एरिया, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ज्यादा क्लाइड कर रहे तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो बहुत सारे गैस बेटे इकट्ठा मिलकर जो प्रेशर लगाती है वो होता है टोटल, और उनमें से कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल गैस, एक इंडिविजुअल गैस ने अपना कितना प्रेशर लगाया, इंडिविजुअल गैस की वजह से कितना प्रेशर एग्जर्ट हुआ, वो क्या कहलाता है? उसका पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? तो जॉन डाल्टन ने यह बताया कि अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, देखो टेम्परेचर क्या कहते हैं बेटा, मेरा कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पे एक फिक्स कंटेनर ऑफ साइज वी लीटर, वो लंबी फिक्स कर दे वी लीटर, अगर टू या मोर देन टू गैसेस ले ली जाए, मान लीजिए बेटा इसमें एन ए ले ली मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, और एन बी ले लिया मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी गैस, दो गैस ले ए और बी, हाँ दीज गैसेस शुड बी केमिकली नॉन रिएक्टिंग। बट ये वो दो गैस लेनी है जो इस नॉर्मल कंडीशन पे टेम्परेचर जो भी आप दे रखा है उस कंडीशन पे दोनों गैस आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। दिस लॉ इज अप्लीकेबल, जो डाल्टन्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर द केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस, इट इज अप्लीकेबल फॉर द केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैस। केमिकल नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए क्यों अप्लाई हुआ ये हम ला समझ लेते हैं, फिर आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। दैट इज अप्लीकेबल वाई फॉर द केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल कंडीशन पर नाइट्रोजन ले लें, इसके साथ मिक्सर ले लें, मान लीजिए कह दिया हाइड्रोजन का, तो वैसे तो बेटा नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके आपको पता है अमोनिया बनाते हैं, बट नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशन पे बहुत ज्यादा इसको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल स्पार्क पास करना पड़ेगा, तब ये अमोनिया बनेगा। नॉर्मल कंडीशन में देयर इज नो रिएक्शन, दीज आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस। नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशन पे बेटा रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये इनर्ट बिहेवियर शो करता है, हीलियम नियॉन आर्गन की तरह इनर्ट बिहेवियर शो करता है, पता है इनर्ट, विच नॉट टेक्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन।
और क्यों शो करते हैं इनहेरिट वियर? बेटा ट्रिपल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड डिस्ट्रेंथल भी बहुत हाई है, दोनों एटम से बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो एक स्टेबल मोलिक्यूल की तरह बिहेव करता है और नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। अगर इसी की जगह में हाइड्रोजन क्लोराइड का मिक्सर हो तो बेटा उसके लिए डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। दिस इजीली रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड गिव द HCl, तो इसके लिए डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। डाल्टन्स लॉ किसके लिए अप्लाई होगा? फॉर द केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस। If two or more than two chemically non-reacting gases enclosed in a container of volume V liter at a temperature T, then total pressure exerted by this mixture is let us PT. PT क्या बेटा? Total pressure exerted by the gas A and B. तो यहाँ पे A के molecules भी हैं, ठीक है, मान ले A के molecule ही हैं, यहाँ बेटा B के molecules भी हैं, तो A and B both collides with the wall of the container. And exert the pressure. तो total pressure मान लीजिए PT आया, ठीक है? Dalton ने बताया कि in the same container, container same ले लिया हमने, in the same container, if we enclose these gases individually at the same temperature condition, container बेटा यही है same, ये भी V liter है, ये भी V liter है, और temperature भी क्या ले लिया जाए same, जो T temperature यहाँ पे लिया था, वही T temperature यहाँ पे ले लिया। गैसेस की अमाउंट भी ले ली जाएगी सेम, जैसे यहाँ पे ले था एन ए मोल ऑफ ए गैस, यहाँ पे ले लिया एन ए मोल ऑफ ए गैस, यहाँ पे ले लिया जी एन बी मोल ऑफ बी गैस। तो डाल्टन ने बताया कि इफ यू टेकन दीज गैस इंडिविजुअली इन द सेम कंटेनर ले लिया वॉल्यूम सेम एट अ सिमिलर टेम्परेचर कंडीशन, देन द समेशन ऑफ देयर पार्टिकल प्रेशर, जैसे अभी अकेले का है बेटा, अकेले का प्रेशर कितना है मान लीजिए पी है, इसके अकेले प्रेशर आ कितना मान लीजिए पी बी, द समेशन ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर विल बी कम्स आउट इक्वल टू देयर टोटल प्रेशर। ये बेटा पी ए और पी बी का जो सम है ना, वो जो यहाँ पे पी टी आया था उसके बराबर आएगा। दोबारा सुनने बात, पहले तो स्टेटमेंट सुनो, डाल्टन ने क्या स्टेटमेंट दिया, पहले तो मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ फिर आराम से फिर समझते हैं कि क्यों कहा ऐसा। डाल्टन ने क्या कहा कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस, एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर द केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस मिक्सचर, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस मिक्सचर comes out equal to the sum of the partial pressure of these gases if enclosed individually in same container at same temperature, सुनो क्या कह दिया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन पे अगर हम केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर लेते हैं तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मिक्सचर, यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल से बी के मॉलिक्यूल है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मिक्सचर विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस, कि आप इनको अकेला अकेला ले लीजिए सेम कंटेनर में सेम टेम्परेचर में, तो इन दोनों का जो प्रेशर आएगा उसके सम के बराबर ही इसका प्रेशर होगा। क्यों होगा बेटा ऐसा? देखो प्रेशर किस वजह से होता है, बात को सुनो कि क्यों और क्या ऐसा, प्रेशर किस वजह से होता है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। यहाँ पे अपने पास ओनली गैस है, मान लीजिए मेरे एन ए मोल ली है, ठीक है, किस टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे, कितने कोलिजन्स होंगे पर यूनिट एरिया वो डिपेंड करता है एक तो बेटा टेम्परेचर पे, देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल से कैरेटिक एनर्जी बढ़ती है और कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, तो कितने कोलिजन होने वाले हैं पर यूनिट एरिया एक तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, एक डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, आपने कितनी बड़ी साइज का कंटेनर ले रखा है। अगर इसी पार्टिकल्स को, इन्हीं पार्टिकल्स को मैं बड़े कंटेनर में स्प्रेड कर दूं तो बेटा पर यूनिट एरिया पार्टिकल्स कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर कितना लगने वाला है
वो डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर क्या लिया हुआ है, वो डिपेंड करता है आपने वॉल्यूम क्या ली है, साइज कितनी ली हुई है, जहाँ पे गैस इंक्लोज कर रखी है उस कंटेनर की साइज कितनी है, और डिपेंड करता है आपने अमाउंट कितने लिए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने लिए। तो मान लीजिए एन ए मोल जब गैस लेती हूँ वी वॉल्यूम के कंटेनर में टी टेम्परेचर पे, तो लेट अस यहाँ बट हम सपोज कर लिया फाइव मोलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हैं, ध्यान समझना, मान लीजिए कितने मोलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं, फाइव पर यूनिट एरिया फाइव मोलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हैं, मैंने मान लिया ऐसा, ठीक है। देखो बेटा पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए आर टी, पी ए वी इज इक्वल टू, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए आर टी। तो यहां बता दिया कि अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एन ए है, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर है, टोटल वॉल्यूम वी है, तो अपने पास ये पी आ गया पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर ले लिया पी ए। अगला सुन, कंटेनर की साइज उतनी है, वी वॉल्यूम है, टेम्परेचर भी उतना ही है, बट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मैंने बदल दिए। देखो सेम टेम्परेचर और बेटा सेम वॉल्यूम के लिए अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर लोगे तो प्रेशर बराबर ही आता, बोलो। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, अगर आप टी सेम रखो, आप वी सेम रखो, नंबर ऑफ मोल भी सेम रखो, आर तो सेम है, तो प्रेशर बराबर ही आ जाएगा। तो मैंने मान लिया अब की बार बेटा मोलिक्यूल्स की तरह एन बी, और सपोज कर ले यहाँ पे अगर आप एन बी मोलिक्यूल लेते, मान लीजिए यहाँ पे 100 थे, यहाँ पे मैंने 80 मोलिक्यूल ले लिए, तो पर यूनिट एरिया मान लीजिए कोलिजन 4 हो रहे हैं, कितने कोलिजन हो रहे हैं, 4, उसकी वजह से प्रेशर कितना है, मान लीजिए पी बी, अगर पी बी। नाउ दीज टू एन ए एंड एन बी अमाउंट ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन द सेम कंटेनर, सेम कंटेनर वॉल्यूम वो क्यों है, पहले वी वॉल्यूम में थे एन मोलिक्यूल्स, अब भी वी वॉल्यूम में एन मोलिक्यूल पूरे में स्प्रेड हो गए, पहले वी वॉल्यूम में थे एन बी मोलिक्यूल, अब भी वी वॉल्यूम में एन बी मोलिक्यूल, पहले टी टेम्परेचर पे थे, अब भी टी टेम्परेचर पे है, और बेटा ये रिएक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे से, अगर बेटे रिएक्ट कर जाए तो दो दो मान लीजिए, मैं कह दो एच टू गैस ले ली, सी एल टू गैस ले ली, एच टू के मोलिक्यूल 50 थे, सी एल टू के मोलिक्यूल 50 थे, और बेटा ये इकट्ठे होके यहाँ पे क्या बन गया, टू एच सी एल, क्या बन गया, टू एच सी एल। तो यहाँ पे बताओ ये मान लीजिए 50 मोलिक्यूल्स है, ये मान लीजिए 50 मोलिक्यूल्स है, तो 50 मोलिक्यूल 50 मोलिक्यूल और कितना हो गया, यहाँ पे टोटल मोलिक्यूल कितने हो गए, 100। तो मोलिक्यूल पहले भी टोटल एडेड थे, अब भी एडेड है, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अगर मान लीजिए कोई गैस इस तरह की हो, एन टू प्लस में 3H2 गिव द 2NH3। अब देखो मोलिक्यूल मैंने 100 लिए, मोलिक्यूल मैंने 300 लिए, मोलिक्यूल 300 और 100 कितने थे, 400, और हो गए कितने, 200। तो मोलिक्यूल तो कम हो गए यहाँ पे, तो रेट करके देखो 300 और 100 थे तो 400 और हो गए कितने, 200। तो यहाँ पे रेट करके कम हो गए, तो यहाँ पे तो प्रेशर मिक्सर में कम आ जाएगा, क्योंकि रेट करके मोलिक्यूल कम होते चले जाएंगे, दो जुड़ते चले जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गैस कैसे लेनी है आपको, नॉन रिएक्टिंग, कोई एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करे कि भैया ये एन ए मोलिक्यूल थे, अब भी ये एन ए मोलिक्यूल है, पहले पर यूनिट एरिया 5 थे, अब भी बेटे पर यूनिट एरिया 5 ही है, पूरे में फैल गए उतने भी वॉल्यूम में, एन बी मोलिक्यूल पहले मान लीजिए एन बी थे, पूरे भी वॉल्यूम में अब भी एन बी है, वो 4 कोलाइड कर रहे थे, अब भी पर यूनिट एरिया 4 ही कोलाइड कर रहे हैं, तो बेटे यहाँ पे 5 मोलिक्यूल एक कोलाइड कर रहे हैं, 4 मोलिक्यूल एक कोलाइड कर रहे हैं, तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो बोलो पी ए प्लस पी बी के बराबर आ जाएगा कि नहीं, क्यों आ जाएगा, देखो जी टोटल प्रेशर पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो एन ए के बेटा प्लस में एन बी के, एन ए एन बी आर टी और आप ओन में बी, ठीक। पी ए क्या रहा था, पी ए क्या रहा था बेटा, इज इक्वल टू एन ए आर टी बाई वी, पी बी क्या रहा था बेटा, एन बी आर टी बाई वी। तो बताओ आप जब इन दोनों को जोड़ोगे पी ए प्लस पी बी, तो यही तो आएगा एन ए प्लस एन बी आर टी बी, आई बात समझ में। तो ये कहा डाल्टस ने कि आप दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेज, चाहे आप अकेले कंटेनर में ले लो, या उन गैसेस को आप अकेला अकेला करके उस कंटेनर में अलग अलग से रख लो, उनका जो टोटल प्रेशर आएगा वो जो इंडिविजुअल अकेले अकेले है उस टाइम जो आ रहा है उनके सम के बराबर ही आएगा। अगर एन ए मोल्स प्रेशर पी ए डेवलप करते हैं वी वॉल्यूम पे और टी टेम्परेचर पे, तो आप इसके साथ बी मिक्स कर दो, सी मिक्स कर दो, डी मिक्स कर दो, ये एन ए मोल जब वॉल्यूम वी रहेगी, जब टेम्परेचर टी रहेगा, तो प्रेशर ये पी ए ही डेवलप करेंगे, ऐसा माना डाल्टस ने बेटा। बाकी रियलिटी में ऐसा हो नहीं पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेटा जब एक काम कहते गैस फ्री है, यहाँ पे फ्रीडम ज्यादा है, तो फ्रीली कोलाइड कर रहे हैं, 5 मोलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं बी डाल दूँ, तो बेटा बी के मोलिक्यूल इसे अपनी तरफ खींचेंगे और इसकी फ्रीडम को थोड़ा कम करेंगे, इसे कोलाइड होने से थोड़ा रोकेंगे,
इफ देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी. पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग क्या अज्यूम किया हुआ है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अगर सेटिस्फाइड हो गई तो अपना पी वी इज इक्वल टू एन आर टी भी सेटिस्फाई हो जाएगा, और ये सेटिस्फाई होगा तो बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी सेटिस्फाई होगा. ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कैन बी सेटिस्फाइड बाय द आइडियल गैसेस एंड केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसेस. ठीक है, अपने आपने से कोई डायग्राम दे दो बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड, ऐसा दे दे. ये दे दिया कि एक कंटेनर है, इसकी वॉल्यूम है वी लीटर, ये कंटेनर इसकी वॉल्यूम है बी वी लीटर, ये भी कंटेनर इसकी वॉल्यूम भी है वी लीटर. These are placed at the temperature T. Okay. ये कहता है इसके साथ मैंने लगा रखे मैनोमीटर. मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस. ओपन एंड मैनोमीटर. यहाँ भी लगा रखा मैंने मैनोमीटर. ओके जी, यहाँ पर भी लगा रखा मैनोमीटर, यहाँ पर भी लगा रखा बेटा मैनोमीटर टू मेजर द टोटल प्रेशर. ठीक है, इनिशियल ये वाल क्लोज्ड है, सारे क्लोज्ड है, तो मरकरी का लेवल दोनों तरफ क्या है इक्वल क्लोज्ड है. तो ये मरकरी का लेवल दोनों तरफ क्या है इक्वल. मरकरी का लेवल दोनों तरफ क्या है बेटा इक्वल. ठीक है, मरकरी का लेवल दोनों तरफ इक्वल इक्वल. ठीक, अब यहाँ पे कहते हैं मैंने ले ली 1 मोल हाइड्रोजन गैस. ठीक, यहाँ पे ले ली मैंने 2 मोल हीलियम गैस, और यहाँ पे ले ली बेटा मैंने 1 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल हीलियम का मिक्सर. ठीक, ये तो इंडिविजुअल ले लिए, ये मिक्स करके ले लिया, वॉल्यूम सेम है टेम्परेचर सेम है. ये कहते हैं यहाँ पे मरकरी का लेवल राइज ना हो गया, तो जितना मरकरी का लेवल राइज हो क्या मेजर करेगा प्रेशर बाई एच टू, तो बेटा ये आ गया प्रेशर बाई एच टू. यहाँ पे मरकरी का लेवल इतना राइज हो गया तो बेटा ये क्या गया प्रेशर ऑफ हीलियम. और अब आपसे पूछ रहे कि यहाँ पे मरकरी का लेवल इतना राइज हो गया, बेटा मरकरी का जो लेवल राइज हुआ दैट इज इक्वल टू द दिस हाइट प्लस में दिस हाइट. ये कहते हैं कि यहाँ पे जो हाइट है ना यहाँ पे, ये कहते हैं ये कहते हैं पी एक्स, में इसको पी एक्स बोलते हो, ये कहते हैं पी एक्स इज इक्वल टू पी एच टू प्लस पी एच ई, या पी एक्स इज ग्रेटर देन पी एच टू प्लस में पी एच ई, ग्रेटर देन पी एच टू पी एच ई, या कहते हैं पी एक्स इज लेस देन पी एच टू प्लस में पी एच ई, या अनप्रिडिक्टेबल. तो अब ध्यान रखना बेटा सेम वॉल्यूम है सेम टेम्परेचर अमाउंट 1 मोल 2 मोल, यहाँ पे भी 1 मोल 2 मोल. तो बताओ पी वी इज इक्वल टू क्या होता है एन आर टी, पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी होता है. तीनों जगह वॉल्यूम सेम है, तीनों जगह ये आर टी बाई वी, तो तीनों जगह सेम है. यहाँ पे लिया तो एन एच टू, यहाँ पे लिया एन एच ई, वहाँ पे लोग क्या होगा एन एच टू प्लस एन एच ई, तो दोनों का सम उसके बराबर आएगा. तो इट मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू पी एच टू प्लस पी एच ई. ओके, ये होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. नो यूटिलिटी ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको बेटा अप्लाई कहाँ पे करते हैं. बहुत सारी गैसेस इनक्लोज की जाती हैं, बहुत सारी गैसेस इनक्लोज सॉरी इनक्लोज नहीं कर रहे, बहुत सारी गैस बेटा स्टोर की जाती है ओवर द वाटर सरफेस. मतलब कुछ गैसेस क्या करते हैं, मिथेन गैस, मिथेन गैस इन सोल्यूबल वाटर, तो बेटा एक इन्वर्टेड जार रख लेते हैं यहाँ पे, और मिथेन गैस जो प्रोड्यूस होते जा रही है उसके यहाँ पास करते जाएंगे, वाटर में इनसोल्यूबल है तो मिथेन सारी इकट्ठी हो जाती है बेटा यहाँ पे इकट्ठी होती है. यहाँ से फिर टोटल मिथेन जितनी भी कलेक्ट किए उसका प्रेशर मेजर कर लेते हैं. बेटा ये जो प्रेशर आता है बाई कलेक्टिंग द गैस ओवर द वाटर सरफेस, ये ड्राई गैस का प्रेशर नहीं आता बेटा, ये प्रेशर ड्राई गैस का नहीं आता, ये प्रेशर ओनली मिथेन का नहीं है, बिकॉज इट कलेक्टेड ओवर द वाटर सरफेस. तो बेटा यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत वाटर वेपर्स भी हैं, तो अगर कोई गैस वाटर सरफेस पे कलेक्ट की गई है तो बेटा वहां पे अपने क्या मिलेगा प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, मतलब क्या मिलेगा गैसेस मॉलिक्यूल के साथ साथ वाटर वेपर्स की वजह से भी कुछ प्रेशर होगा. तो अब अगर हमें ओनली गैस का प्रेशर निकालना हो तो ये मिक्सरित हो गया किसका H2O वेपर्स का गैस का, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा दो. ये क्या कि प्रेशर जो आपका आ रहा है मॉइस्ट गैस का दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इक्वल टू द प्रेशर बाई H2O प्लस में प्रेशर बाई ड्राई गैस. हाँ बट ये ध्यान रखना टेम्परेचर कंडीशन इज सेम, कि जिस टेम्परेचर पे आप मॉइस्ट गैस ले रहे हो उसी टेम्परेचर पे लेना, नहीं तो बेटा फिर सम के बराबर नहीं आएगा. तो कंटेनर की वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या रहना चाहिए सेम, तब हम कहते हैं कि मिक्सर का जो प्रेशर होगा टोटल वो मिक्सर का जो प्रेशर होगा टोटल वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा. तो बेटा ये जो पी एच टू है ना प्रेशर बाई एच टू मॉलिक्यूल,
एट डिफरेंट टेम्परेचर्स इज गिवन, ये आपने वो दिया हुआ मिल जाएगा। वाटर का प्रेशर अलग अलग टेम्परेचर पे नोट करके अपने को टेबल दे दी जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ H2 एट एनी टेम्परेचर इज नोन एज एक्वस टेंशन। क्या कहलाता है बेटा ये? एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन क्या होता है? प्रेशर बाय H2O मॉलिक्यूल्स, प्रेशर बाय H2 एट एनी टेम्परेचर नोन एज एक्वस टेंशन। ये अपने को ना या तो दिया हुआ मिल जाएगा, हम निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आपको दिया हुआ मिल जाएगा तो आप ड्राई गैस का प्रेशर निकाल पाओगे, और अगर ड्राई गैस का प्रेशर है, इसका प्रेशर है, तो आप इसको निकाल पाओगे। ये ध्यान रखना कि कोई गैस अगर वाटर सरफेस पे ट्रैक किया तो उसका टोटल प्रेशर है वो उस ड्राई गैस के प्रेशर और बेटा वाटर के प्रेशर के शब्द बराबर है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखो। देखो मान लीजिए ये दिया हुआ है कि नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड ओवर द वाटर सरफेस, नाइट्रोजन गैस ध्यान सुना, कलेक्टेड ओवर वाटर सरफेस, लेट इट ऑक्यूपाई द वॉल्यूम 0.8 लीटर, इट ऑक्यूपाई द वॉल्यूम 0.8 लीटर एट एंड एक्सर्ट द प्रेशर 0.2 bar, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एट ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। देखो ये बेटा क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड ओवर वाटर सरफेस, तो बेटा वॉल्यूम तो चाहे मोइस्ट गैस की ले लो या वॉल्यूम ड्राई ले लो, अकेली ड्राई लोगे तो भी पूरे वीवल लीटर फैल जाएगा, मोइस्ट लोगे तो भी इतने मिलेगा। तो वॉल्यूम तो ड्राई और मोइस्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर प्रेशर का तो फर्क पड़ेगा कि एक तो मेरे को ओनली नाइट्रोजन ये मोलिक्यूल है तो सिर्फ वही कोलाइड करेंगे, और एक में दो नाइट्रोजन के साथ साथ H2O भी है तो बेटा वो भी कोलाइड करेगा तो प्रेशर ज्यादा आएगा मोइस्ट का। तो ये कह दिया कि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस कलेक्ट की वाटर सरफेस पे और ये प्रेशर दिया हुआ है, तो बेटा प्रेशर किसका है? मोइस्ट नाइट्रोजन का। ये प्रेशर किसका है? मोइस्ट नाइट्रोजन का, ये ध्यान रखना। ये कहते हैं इफ द सेम नाइट्रोजन गैस बट इन ड्राई कंडीशन, ड्राई नाइट्रोजन ऑक्यूपाई द वॉल्यूम 0.08 लीटर एट द STP कंडीशन, एट STP टेम्परेचर, प्रेशर बदल दिया तो वॉल्यूम बदल जाएगी, ठीक है। Then what will be the aqueous tension at this temperature? तो इस temperature पे आप क्या निकालिए? Aqueous tension कैसे निकालोगे बेटा? देखो अपने को इस temperature पे दे रखा moisture gas का प्रेशर, हम इस temperature पे dry gas का प्रेशर निकाल लें, हम इस temperature पे किसका निकाले? dry gas का प्रेशर। तो क्या करो, ये जो volume है V1 ये तो होगी 0.8 लीटर, ठीक है। ये टेम्परेचर T1 300 केल्विन, और बेटा मैंने मान लिया कि ड्राई नाइट्रोजन गैस का प्रेशर यहाँ पे कितना है? P1। मान लिया मैंने कि ड्राई गैस का प्रेशर कितना है? P1। बेटा इस टेम्परेचर वॉल्यूम के लिए ड्राई गैस का प्रेशर कितना है वो निकाल लेते हैं, STP पे तो मेरे को दे रखा है ड्राई का। तो ड्राई गैस का वॉल्यूम V2 0.08 लीटर किस टेम्परेचर पे? 273 केल्विन पे। किस प्रेशर के लिए? 1 एटमोसफेयर। तो ये ड्राई का डाटा, ये भी ड्राई का डाटा है, ये डाटा किसका? ड्राई गैस का। तो मैंने ये भी ड्राई के लिए वॉल्यूम, तो मैंने कहा ड्राई लो चाहे मोस्ट लो लगभग बराबर ही रहेगी, तो वॉल्यूम तो वही है, टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ड्राई मोस्ट का, ड्राई मोस्ट का फर्क पड़ता है प्रेशर पे। तो मैंने मान लिया ड्राई गैस का प्रेशर P1 है। अब बेटा यहाँ पे अप्लाई कर दो आइडियल गैस इक्वेशन, क्या P1V1 by T1 is equal to P2V2 by T2, ठीक है। ड्राई नाइट्रोजन गैस स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमोसफेयर, वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है? 0.08 लीटर। किस टेम्परेचर पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन पे, ठीक है। P2V2 ये हो गया। ड्राई गैस प्रेशर कितना लगाएगी नहीं पता, निकाल लेंगे हम ड्राई गैस के, तो मोइस्ट का दे रखा है तो ड्राई का हम निकाल लेंगे। कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे? 0.8। किस टेम्परेचर पे? 300 पे। बेटा ये सोल्व करो तो अपने पास ड्राई गैस का प्रेशर आ गया। किस टेम्परेचर पे? 300 केल्विन पे। अब तो 300 केल्विन पे ये मोइस्ट का प्रेशर आ, तो प्रेशर ऑफ द मोइस्ट गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस एट द सेम टेम्परेचर प्लस प्रेशर बाय H2O। तो बेटा ड्राई गैस का प्रेशर आपने निकाल लिया, मोइस्ट का 0.2 दे रखा था, अब तो वाटर का आ जाएगा, तो वाटर का जो प्रेशर आ गया वो एक्वस टेंशन, ठीक है। और करेंगे मैं ऐसे इस तरह के न्यूमेरिकल्स और जूम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, कुछ आप करके देखना, ठीक। अच्छा ये दे दिया जाए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस एंड टोटल प्रेशर। मान लो बेटा हमने कंटेनर में ना 3 गैस ले ली, ध्यान सुना, NA मोल, NB मोल, NC मोल, 3 गैस ले ली, किस वॉल्यूम पे? V लीटर वॉल्यूम के लिए।
किस टेम्परेचर टी टेम्परेचर के लिए, फिर टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन एन ए प्लस एन बी प्लस में एन सी टोटल नंबर ऑफ मोल्स पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो क्या होगा बेटी अपॉन में वी। ठीक, अगर मैं इसी वॉल्यूम वी के लिए अकेले के लिए गैस ले लूँ, इसी वॉल्यूम वी के लिए इंडिविजुअल गैस ले ली, इसी वॉल्यूम वी के लिए इंडिविजुअल गैस ले ली, एन एन बी एन सी अकेले के ले ली सेम टेम्परेचर पे, तो बट हम क्या लिख सकते हैं पी ए पार्शियल प्रेशर बाई ए गैस इज इक्वल टू एन ए आर टी बाई वी, और क्या लिख सकते बेटा पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी बाई वी, और क्या लिख सकते बेटा पी सी इज इक्वल टू एन सी आर टी बाई वी। ठीक है, अब क्या करें डिवाइड, अगर आपको पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर रिलेशन चाहिए तो डिवाइड द इक्वेशन नंबर सेकंड बाई फर्स्ट, सेकंड को बेटा फर्स्ट से डिवाइड को ध्यान देना, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो पी ए अपॉन में पी टी इज इक्वल टू सेकंड बाई फर्स्ट डिवाइड कर गए, इससे को डिवाइड करो तो एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, बोलो ये बचेगा एन ए डिवाइड बाई दिस वी से वी आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एक पर्टिकुलर गैस के नंबर ऑफ मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, ये आ गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन टू टोटल प्रेशर, ये आ गया बेटा रिलेशन पार्शियल प्रेशर में टोटल प्रेशर में। ऐसे अगर बेटा पी बी को डिवाइड हो गए तो एन बी बाई टोटल, फिर वो क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी सी क्या हो जाएगा एन सी बाई टोटल तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो अपने पास एक फॉर्मूला आ गया कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर इफ टोटल प्रेशर इज गिवन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ दिस गैस मल्टीप्लाइड बाई द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। कोई ये कहते हैं आपके पास ना 2.8 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, आपके पास 1.6 ग्राम मीथेन गैस का मिक्सर है, और अगर टोटल प्रेशर 2 बार है तो व्हाट विल बी द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मीथेन, नाइट्रोजन और मीथेन है इंडिविजुअल प्रेशर निकालो, तो बेटा पहले मोल फ्रैक्शन निकालो नाइट्रोजन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गिवन मास ऑन मोलर मास, नाइट्रोजन मोलर मास 28, तो नंबर ऑफ मोल कितना है 0.1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस कितना है बेटा गिवन मास पर मोलर मास कितना है 0.1, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइड बाय टोटल, टोटल बेटा 0.1 कितना हो गया 0.2, तो बेटा मोल फ्रैक्शन कितना है 1/2 आ गया ना। ऐसे अगर मीथेन का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो मोल्स बराबर है इसका भी क्या आएगा 1/2, तो पार्शियल प्रेशर बाय मीथेन गैस इज इक्वल टू या पार्शियल प्रेशर बाय नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इनटू में टोटल प्रेशर 2 बार है, मोल फ्रैक्शन कितना है बेटा 1/2, तो मीथेन के लिए प्रेशर कितना है 1 बार, ऐसे मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का भी 1/2 है तो उसके वजह से कितना है 1 बार। ओके थैंक्स बेटा।